कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वृद्धा पेंशन का जो पेमेंट स्टेटस है उसको हम कैसे चेक करें, कब पेमेंट आया है, कब पेमेंट आने वाला है। उसका स्टेटस आप घर बैठे अपना मोबाइल से चेक कर सकते हैं, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ दोस्तों, अगर किसी का पेमेंट बंद हो गया हो या तो फिर उसका पेंशन ही बंद हो गया हो, आप उसका भी स्टेटस इसी वीडियो को फॉलो करके आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक। और हाँ दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला वीडियो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ले चलते हैं दोस्तों आपको लैपटॉप के स्क्रीन में, और मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे और फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे और सर्च बार पे टाइप करेंगे ई लाभार्थी। ई लाभार्थी टाइप करने के बाद इंटर प्रेस करेंगे और सबसे ऊपर में जो लिंक है दोस्तों ई लाभार्थी का, इस पे हम क्लिक करेंगे। और ये रहा दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट ई लाभार्थी। और थोड़ा नीचे आएंगे और एक नंबर लिंक पे हम क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, होम हो गया, डैशबोर्ड हो गया, उसके बाद पेमेंट रिपोर्ट हो गया, एंट्री रिपोर्ट हो गया, अपडेट रिपोर्ट हो गया। तो हम पेमेंट रिपोर्ट पे जाएंगे, उसके बाद एक नंबर लिंक जो है चेक बेनिफिशियरी पेमेंट स्टेटस, हम इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप जिसका पेंशन डूब गया हो या इसका पेंशन बंद हो गया हो या किसी का पेमेंट स्टेटस चेक करना हो, आप तीनों का काम यहीं से कर सकते हैं। सबसे पहले हम एयर सेलेक्ट करेंगे कि कौन से एयर का हमको स्टेटस देखना है। यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट में है 2021 से 2022 तक, उसके बाद 2022 से 2023 तक। अगर करेंट में अगर किसी का पेमेंट अगर चेक करना है पेमेंट स्टेटस, तो आप 2023 सेलेक्ट करें। अन्यथा अगर किसी का पेंशन रुक गया हो, अगर 2023 में शो नहीं कर रहा, तो आप 2021-22 सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। और बेनिफिशरी आईडी दोस्तों, यहाँ पे हम तीन आईडी से हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक तो बेनिफिशरी आईडी हो गया, दूसरा नंबर हो गया अकाउंट नंबर, तीसरा हो गया आधार नंबर। हम आधार सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आधार नंबर फिल करेंगे। चलिए दोस्तों फटाफट हम आधार नंबर फिल करते हैं। आधार नंबर फिल कर दिए हैं, आधार नंबर डाल दिया है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये रहा उसका पूरा डिटेल। दोस्तों यहाँ पे पूरा एड्रेस सारा कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे ई लाभार्थी संख्या है, उसके बाद यहाँ पे उसका एज कितना है, जन्म तिथि वो डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर है, पूरा शो नहीं करता है। और दोस्तों इसका पेंशन जो है ना बंद हो गया है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लाभार्थी को नॉट ट्रेसेबल किया गया है। शायद KYC नहीं करवाया होगा या तो फिर कोई रीज़न होगा, इसी वजह से इसका पेंशन बंद कर दिया है। और दोस्तों लास्ट बार जो रुपया मिला है इनको, ये 4/5/2021 को मिला है 500 रुपया। और दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम अगर किसी का हो गया हो, तो आपको ब्लॉक से संपर्क करना होगा, ब्लॉक जाके ये लॉक खुलवा सकते हैं। साथ में आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी कार्ड लगेगा, और उसके बाद बैंक पासबुक लगेगा और दो फोटो लगेगा। जो पेंशन का काम देखता है ब्लॉक में, आप उनसे जाके संपर्क करें। और हाँ, खुद जाना होगा, किसी के ज़रिए भिजवा के ये काम नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका वहाँ पे वेरीफाई होगा कि सच में रियली में आपका उम्र 60 साल से प्लस है, आप पेंशन लेने के लायक है भी या नहीं, उसके बाद ही खुलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों
इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाला वीडियो शायद आपके लिए इम्पोर्टेंट हो और मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे कि किसी का भी वृद्धा पेंशन का पेमेंट स्टेटस घर बैठे कैसे चेक करें। आप अपना मोबाइल से भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इस साइट पे जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार और आपका आशीर्वाद इस छोटे भाई पर हमेशा बना रहे। बस थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आगे हम कुछ अच्छा करें, कोई अच्छा वीडियो लेके आए आप लोगों के लिए।